आइए रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज बात विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला की, जिन्हें गगनयान मिशन के लिए उन 4 एस्ट्रोनॉट्स में शामिल किया गया है जो देश के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को जिन 4 एस्ट्रोनॉट्स को एस्ट्रोनॉट्स विंग्स पहनाए, उनमें शुभांशु शुक्ला भी थे। ये खास पर उनके परिजनों के लिए और उनके शिक्षकों के लिए बेहद खास था। जब प्रधानमंत्री से उसको विंग्स मिले हैं, वो एक अलग ही मोमेंट था। भारत के मिशन गगनयान का ऐलान हो चुका है और ऐलान हो चुका है उन 4 गगनवीरों का भी जो इतिहास रचेंगे। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इन 4 भाग्यशाली नामों में एक नाम विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला का भी है, जिनका बचपन लखनऊ की नवाबी ठाट में बीता। दो बहनों के इकलौते भाई, माता पिता के लाडले शुभांशु, जिन्हें घर में सब प्यार से गुंजन बुलाते हैं। पढ़ाई में बचपन से ही तेज थे। अलीगंज के CMS स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की है। बहनें जलती थी कि कम पढ़ाई करके भी वो कैसे उनसे अच्छे नंबर ले आते थे। ही इज अ वेरी ब्रिलियंट वन। रेगुलर पढ़ाई नहीं करता था, हम लोग रोज उसको पढ़ाई नहीं देखते थे। एज अ सिस्टर हम दोनों बहनें बहुत चिढ़ती थी कि ये रोज नहीं पढ़ता है, ये केवल एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ता है और इतने अच्छे स्कोर्स ले आता है, क्योंकि स्कोर्स और रिजल्ट्स हमेशा बहुत अच्छे रहे उसके। लेकिन यही है कि उसकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है, वो बहुत जल्दी सीख जाता है, बहुत जल्दी लर्न कर लेता है, तो इस वजह से उसका एकेडमिक रिकॉर्ड तो हमेशा अच्छा रहा है, बहुत ही बढ़िया रहा। हमारे लिए बहुत अचीवमेंट वाली भी बात थी कि हमारे परिवार का बच्चा जो है वो इतनी ऊंचाइयों तक जा रहा है, ऐसे पहुंच रहा है, तो हमारे लिए तो बहुत 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 खुशी की बात थी। इनफैक्ट हैरानी होगी आपको जानकर कि लखनऊ की गलियों से निकलकर अब अंतरिक्ष के सफर की तैयारी कर रहे शुभांशु को NDA में जाने की कोई दिली तमन्ना नहीं थी। यूं ही दोस्त ने फॉर्म नहीं भरा तो खुद भर दिया और परीक्षा पास कर गए तब भी यही सोचा, चलकर देख लेते हैं 6 महीने, अच्छा गुजरा तो ठीक, नहीं तो वापस। लेकिन एक बार वहां गए तो मन रम गया, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। किसी का कोई प्लान नहीं था कि वो वहां जाने वाला है, ये एक रैंडम फ्लो था, एक के बाद एक चीजें होती चली गई ग्रेजुअली। और कि उसने किसी और का फॉर्म फिल किया और वो फॉर्म फिल करने के बाद वो SSB देने चला गया, उसका सिलेक्शन हो गया, देन ग्रेजुअली रेस्ट इज द हिस्ट्री कि वो उसके बाद आज यहाँ खड़ा हुआ है। बट ग्रेजुअली एक चीज जो वही इम्पोर्टेंट है उसके लिए कि वो जिस चीज में हाथ डालता है तो फिर उसको फुली फ्लेजेड पूरा तरीके से काम करता है उसके लिए। अब जबकि वो एक इतिहास लिखने की दहलीज पर है, तब उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक गर्व से भर गए हैं। शुभांशु ने लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की है। यहाँ उन्हें मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने वाले शिक्षक बताते हैं कि वो पढ़ाई और अपने काम को लेकर हमेशा से स्पष्ट और होशियार रहे हैं। अननेसेसरी एक्टिविटीज में अपने आप को न इन्वॉल्व करना और अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके और उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज करके कैसे अच्छा रिजल्ट लेके आना, तो ये जो उसकी प्रवृत्ति है, इसी प्रवृत्ति ने उसको आज इस मुकाम पे पहुंचाया। आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया है? मैंने उसको क्लास 11th और 12th में फिजिक्स पढ़ाई है। कभी लखनऊ की गलियों में क्रिकेट खेलने वाले शुभांशु का नाम मिशन गगनयान के लिए जा रहे उन एस्ट्रोनॉट्स में शामिल होना देश के उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने लक्ष्य को लेकर पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं। लखनऊ से सत्यम मिश्रा और शिल्पी सेन, गुड न्यूज़ टुडे।